महेश कश्यप को जिस तरह से ले गया, उनके हाथ में हथकड़ी लगा हुआ था, जैसे ही जज साहब देखे बोले ये क्या है, मनीष कश्यप कोई अपराधी है, कहीं बम ब्लास्ट किए हैं, तो सर मानी चाहिए मतलब बिहार सरकार को। जो निर्दोष होता है वो तो निर्दोष साबित हो ही रहे हैं। तेजस्वी की सरकार जो उनके विरुद्ध ये कार्रवाई कर रही है, ये सरासरी एक गलत बात है। ये अच्छा पत्रकार थे, इसलिए इनको टारगेट किया गया। ने जमीन से उठ के, आपके हमारे जैसे जमीन से उठ के उन्होंने उपलब्धि हासिल की है। आज तमिलनाडु की मदुरई कोर्ट में मनीष कश्यप की पेशी हुई। सभी को ये उम्मीद थी कि कोर्ट की तरफ से तमिलनाडु की पुलिस को मनीष की ट्रांजिट रिमांड नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बड़ी अपडेट ये है कि कोर्ट का फैसला आ चुका है और अब एक बार फिर मनीष कश्यप तमिलनाडु पुलिस की कस्टडी में है, जहां राज्य की पुलिस पत्रकार से मामले से जुड़ी आगे की पूछताछ करेगी। मिली जानकारी के मुताबिक, आपको बता दें कि देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में भी मनीष कश्यप पर हुए अभी तक के सभी केसेस को एक जगह शिफ्ट करने की बात की जा रही है। रही बात तमिलनाडु पुलिस की रिमांड की, तो ये रिमांड कितने दिनों की है अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है। मनीष केस में चल रही बिहार पुलिस हो, चाहे वो तमिलनाडु पुलिस हो या फिर ईओयू की टीम, हर एक दिन नया चैप्टर, एक नया एंगल हमेशा जुड़ता आ रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना हिंदी चैनल इंडी टाइम्स। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। अब इस केस में पत्रकार के ऊपर आरोपों की लंबी फेहरिस्त लग चुकी है। जी हां दोस्तों, कह सकते हैं कि मौजूदा समय में एफआईआर पर एफआईआर और दूर दूर तक पत्रकार की रिहाई की आस में फैंस की नजरें टिकी है। आजकल बिहार में कुछ ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। हिंदी में कहावत सुनी होगी आपने, गड़े हुए मुर्दे उखाड़ना। यहाँ पर यह कहावत एकदम फिट बैठती है, क्योंकि बिहार में आर्थिक अपराध इकाई ने 2016 के मनीष कश्यप के वीडियो को लेकर एक और मामला दर्ज किया है, जिसमें पत्रकार के ऊपर राष्ट्रपति महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने की बात पाई गई है। गांधी के मौत पे हम लोग जश्न मनाते हैं। ये मामला शांत था और तूल तब पकड़ना शुरू हुआ जब मनीष कश्यप ने तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के ऊपर हो रही हिंसा का वीडियो पोस्ट किया। आज अगर बिहार और तमिलनाडु राज्य को मिलाकर देखें तो दोनों ही राज्यों में 14-14 मामले मनीष के ऊपर दर्ज हैं। जितनी शिद्दत से दो दो राज्यों के पुलिस पत्रकार मनीष कश्यप को कभी बिहार तो कभी तमिलनाडु के चक्कर लगवा रही है ना, इससे इनके समर्थक और उनके फैन का गुस्सा सातवें आसमान पर है। ट्विटर समेत तमाम सोशल मीडिया साइट पर मनीष की रिहाई को लेकर एक अलग तरीके की मुहिम शुरू हो चुकी है, लेकिन उससे भी ज्यादा बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में पत्रकार की रिहाई की मांग तेज हो रही है। लोग नारेबाजी, सड़कों पर प्रदर्शन और मीडिया के सामने आकर अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। लोगों ने भी देखा कि उनको तमिलनाडु ले गया, तमिलनाडु के जो मतलब कानून के रक्षक थे वो मतलब प्रशासन पे किस तरह निशाना साधा, प्रशासन को भींगा के मतलब कहा जाए तो एक तरफ से मारना हुआ। तो मतलब महेश कश्यप को जिस तरह से ले गया, उनके हाथ में हथकड़ी लगा हुआ था, जैसे ही जज साहब देखे बोले ये क्या है, मनीष कश्यप कोई अपराधी है, कहीं बम ब्लास्ट किए हैं, यही सब देखे तो मतलब जिस तरह बिहार के प्रशासन को मतलब वहाँ से बताया गया, तो सर मानी चाहिए मतलब बिहार सरकार को कि जो मतलब कुछ करते भी नहीं है उनको किस तरह से एक साजिश के तहत भेजा जा रहा है, और जो निर्दोष होता है वो तो निर्दोष साबित हो ही रहे हैं और वहाँ पे निर्दोष साबित हुए और बिहार आ रहे हैं, बिहार में उनका शायद सुनवाई भी है। क्या लगता है तो मतलब इसके पीछे क्या कारण लगता है, इस तरीके से उनको पेश किया जा रहा है, हथकड़ी लगाया जा रहा है, इसके पीछे क्या कहा जाए तो ऐसे मात्र एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि कैसे चौथे स्तंभ पर मतलब चौथे स्तंभ को सरकार दबाने की कोशिश कर रही है, एक तरफ से दबाव बना रही है। चौथे स्तंभ कहा जाता है मीडिया को शायद, तो उसको दबाने का काम कर रही है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आपके जैसे मीडिया वालों का सपोर्ट हमको करना पड़ रहा है। आप लोग को खुद करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, तो इसमें कहना क्या है, देख ही रहे हैं मनीष कश्यप हर दलित मतलब मनीष कश्यप किसी का जाति नहीं देखता है, वो हर वर्ग को सपोर्ट करते हैं, समर्थन देते हैं, लेकिन सरकार को वो अच्छा नहीं लगता है। सरकार को यहाँ चाहिए जातिवाद, वही जातिवाद कर रही है सरकार। आप बताइए, यूट्यूबर बताया जा रहा है पत्रकार, तो सरकार कह नहीं रही है मनीष कश्यप को। सबसे पहले मैं बता दूं कि मनीष कश्यप जो है वो हमारे हम लोगों के भाई हैं, वो बिहार के भाई हैं और वो हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा काम करते हैं, ठीक है। और उनके विरुद्ध जो ये तेजस्वी की सरकार जो उनके विरुद्ध ये कार्रवाई कर रही है, ये सरासरी एक गलत बात है।
ठीक है, वो बहुत गलत उनके साथ कर रहे हैं, जिनके विरुद्ध में उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद जैसे बोला गया था हम लोगों को पहले, जब डिप्टी सीएम सरकार तेजस्वी यादव जी नहीं बने थे, उनसे पहले वो हम लोगों को बोले थे कि सभी युवाओं को 10 लाख नौकरी का वादा किया था उन्होंने, लेकिन अभी तक एक भी नहीं दिए हैं वो। इसमें क्या बताइए, इसमें जो है वो कुछ नहीं करते हैं। ऊपर से जो हमारे मनीष कश्यप भाई हैं उनके विरुद्ध वो कार्रवाई किए, ये सरासर गलत है। और कुछ नहीं बोल सकता, तुम बोलो। मनीष कश्यप पर आर्थिक अपराध का भी मामला है कि पैसा उनके अकाउंट में था, छुपाया है सरकार से, बताया नहीं, क्या लगता है? पहले तो मनीष भैया ऐसा कर नहीं सकता, मतलब बिहार का बहुत अच्छे हैं, मेरे तो जितना गरीब लोग हैं उसका मदद करते हैं और स्टूडेंट का भी बहुत मदद करते हैं, इसलिए वो ऐसा कर हो ही नहीं सकता कि ऐसे मतलब पैसा मतलब गरीब को यूज मतलब सहयोग करता है, इसलिए कि मनीष भैया बहुत अच्छे हैं, गरीब का सहयोग कर। बिहार पुलिसों ने जो ये काम किया है उनके विरुद्ध में, किसी की निजी जो वस्तु है उनको किसी के मतलब किसी को दिखाना नहीं चाहिए। जो ऐसा वो किए हैं मनीष कश्यप जी के साथ, वो उनका अपना निजी मामला है, उनका अपना खुद का कमाया हुआ परिश्रम से किया हुआ धन है वो। तो जैसे आप बोले कि मनीष कश्यप के अकाउंट में रुपया कितना पकड़ा है, 42 लाख समथिंग, 42 लाख। और आप सभी लोग खुद ही बोल रहे हैं कि यूट्यूबर है, उनके एक एक वीडियो पे जाता है 5 मिलियन व्यू, 5 मिलियन। मतलब हमको तो लगता है कि जितना दिखाया गया शायद उनका एक महीना का भी आय नहीं है, जबकि वो सरकार को टैक्स भी देते हैं। तो आप बोले 42 लाख, लेकिन हमको लगता है उनका एक महीना का हकीकत में निकाला जाए तो 52 लाख प्लस होगा, वो अपने से भी बताए। तो ये सब गोपनीय चीज़ रखना है, सरकार दिखाना चाहती है तो सरकार को खुलेआम बताना चाहते हैं कि मनीष कश्यप हर टैक्स देते हैं 52 लाख रुपया पर मंथली का। ना सिर्फ मनीष, उनके परिवार बल्कि उनके समर्थकों और उनके चाहने वालों के लिए भी ये समय काफी मुश्किल दौर से गुजर रहा है, क्योंकि एक तरफ ये केस कानूनी दावपेच में उलझता हुआ मनीष की मुश्किलें बढ़ाते हुए कई सारे चक्रव्यूह गढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दिन पर दिन इस बात की उम्मीद और भी ज्यादा लोगों के मन में प्रबल होती जा रही है कि जल्द ही पत्रकार की जेल से रिहाई हो। उनके साथ गलत हो रहा है। किस तरह, क्यों गलत हो रहा है, कैसे लगता है आपको कि गलत हो रहा है? हमको तो लग रहा है गलत हो रहा है उनके साथ। उनके काम को आप कैसे देखते हैं ये बताइए? वो मतलब गरीब के खिलाफ लड़ते, आवाज उठाते थे, इसलिए अच्छे थे, है ना? हाँ। आपको क्या लगता है भैया? मनीष कुमार एक जेनून पत्रकार है और उसको साजिद के तहत जेल करवाया गया है। किस तरह का साजिद? हाँ क्या कौन है इसके? अच्छा, आपको क्या लग रहा है वो कैसे पत्रकार थे, क्या अच्छे पत्रकार थे? पत्रकार तो अच्छा था। साजिद की बात करें, कौन किया इसके पीछे साजिद, क्या लगता है? वो तेजस्वी यादव। क्या साजिद किया? मतलब वो वीडियो जो था, वीडियो कुछ पहले भी डाला हुआ था, उस नेट पर जो वीडियो था वो पहले भी डाला हुआ था, लेकिन उसको टारगेट नहीं किया गया, और ये अच्छा पत्रकार थे इसलिए इनको टारगेट किया गया। जेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये हम लोग जनता नहीं बचा सकते हैं, लेकिन मनीष कश्यप यूट्यूबर थे और जनता के आवाज़ को उठाते थे, इसमें कोई शक नहीं है। और जो उन्होंने वीडियो बनाया स्टेशन में बनाया, वो तमाम लोगों के बीच बनाया, तो जैसे आप बना रहे वैसे वो वीडियो था, तो हम सभी को देखने के लगता है कि नहीं जो वीडियो था वो मतलब गाड़ी में चढ़ने के लिए लोग धाका मुक्की करके जा रहे हैं, उसकी असुविधा के लिए दिखा रहे हैं, तो कोई गलत नहीं है। जो चीज़ सही है उसको दिखा रहे हैं तो गलत नहीं है। अब हर एक चीज़ जनता को जानकारी नहीं होता, जनता जो देखती है उसे बोलती है, लेकिन ये जो चीज़ है कोई भी बोल सकता है, जनता अपने लिए स्वतंत्र है। सही बात। तो ये मेरा मानना है कि वो एक ये मतलब इंसान ठीक थे, हो सकता है हर एक आदमी से गलती होती है, कोई भी सरकार है किसे नहीं गलती होती है, कोई अगर बोल दे कि मैं दूध का धुला हो, हर एक इंसान से गलती होती है। तो मेरा मानना है कि जिस हिसाब से उनसे गलती हुई है उनको भी संभालने का मौका देना चाहिए, लेकिन ये चीज़ 100% श्योर है, उन्होंने जमीन से उठ के, आपके हमारे जैसे जमीन से उठ के उन्होंने उपलब्धि हासिल की। हम इस पूरे केस को लेकर हर एक अपडेट को आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहें इंडी टाइम्स, जहां सच वहां हम, और शाम को 7:45 पर प्राइम टाइम में आप मेरी सहयोगी अमृता के साथ इस केस से जुड़ी हर एक अपडेट देखने के लिए तैयार रहिएगा। जल्द हाजिर होंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।